सपा से सर्धना विधायक अतुल प्रधान पर गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाले सभ्रांत व सभ्य चिकित्सकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर एक वृद्ध से अपर जिलाधिकारी वित्तम राजेश मेरठ की उस रिपोर्ट को लेकर छीन कर फाड़ डाला जिसमें उनकी पत्नी की मौत के मामले में न्यूटिमा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड का चार्ज लेने के बावजूद ऑक्सीजन चार्ज, मॉनिटर चार्ज, एयर मैट्रेस चार्ज, आरटी फीडिंग आदि का अलग से बिल बनाए जाने का हॉस्पिटल को दोषी माना गया है। बदहवास व्रत को किसी तरह पुलिस ने बचाया। बाद में मीडिया से वार्ता करते हुए राकेश उप्पल ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस ने बचाती तो चिकित्सक उन्हें मार डालते। वहीं चिकित्सक बराबर वृद्ध राकेश उप्पल पर सपा विधायक अतुल प्रधान का आदमी होने का आरोप लगा रहे थे। चिकित्सा में लापरवाही के चलते अपनी पत्नी खो चुके राकेश उप्पल ने कहा कि चिकित्सकों के खिलाफ जो हो रहा है वह सही हो रहा है। चिकित्सकों का ध्यान मरीज पर कम, बिल बनाने पर ज्यादा रहता है। ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे मरीजों पर अत्याचार न हो और अनाप शनाप बिल न बनाया जा सके। देखिए, मौके पर अफरा तफरी, छीना झपटी वे एडीएम की रिपोर्ट फाड़ने की तस्वीर है। बरवाली के इलाज में 15 लाख रुपए लिए गए, उसके बाद 21 दिन बाद उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर से कह दिया कि इन्हें जो आप दिल्ली ले जाओ। अगले दिन मेरी घरवाली की डेथ हो गई। कौन सा हॉस्पिटल? न्यूटमा। क्या हुआ? नॉर्मल हमने भर्ती कराया था अपनी घरवाली को। 15 दिन आईसीयू वेंटिलेटर में रखी। इन्होंने इनका ध्यान पता क्या था कि अवैध वसूली करना, इलाज कम, इलाज। ये मजिस्ट्रेट जांच है, ये मजिस्ट्रेट जांच है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 15 लाख के बाद ऑक्सीजन चार्ज लिया गया, वेंटिलेटर चार्ज लिया गया, क्योंकि इनका ध्यान इलाज में कम था, इनका ध्यान इलाज में कम था, अवैध वसूली में। इन्होंने कहा इलाज में डॉक्टर कौन था? संदीप गर्ग। अच्छा, और वो न्यूटमा से उन्होंने रेफर करा है। क्या सामने शिकायतें की थी आपको? गिरफ्तार करो इसे। इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए वृद्ध राकेश उप्पल ने यह कहा, मेरी घरवाली 26 फरवरी को दिल्ली में एक्सपायर होगी। 18 दिन वो रही आईसीयू वेंटिलेटर में। संदीप गर्ग ने इलाज करा, मजिस्ट्रेट जांच बैठी, मजिस्ट्रेट जांच में दोषी पाए गए कि इन्होंने वेंटिलेटर 15 लाख के ऊपर ऑक्सीजन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज अलग से लिया गया। अब इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। मेरे जो मजिस्ट्रेट जांच की वो थी ये फाइल, इन्होंने छीनने की कोशिश करी और ये कागज भी फाड़ दिया। 5 और 6 को मेरी घरवाली रही एसडी ग्लोबल में। उन्होंने एक डॉक्टर अनंत प्रकाश के लिए लिखा था कि इन्हें बुलाया जाए। उन्होंने डॉक्टर अनंत प्रकाश को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उन्होंने केस बिगाड़ना था और यहाँ रेफर करना था कमीशन के चक्कर में। और कितने का बिल बैठा आपका? सर जी, बिल था 12 से 15 लाख रुपए का। हमने सारा पे करा। डीएम साहब बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने मदद करी। एक कप्तान साहब थे, वो क्या नाम है, प्रभाकर चौधरी, मेरी घरवाली थी आरजी डिग्री कॉलेज में, उस लेटर से जान बैठी। आज मेरे बेटे की कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज है वकील साहब के यहाँ। आज मैं डीएम साहब से मिलने आया था, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। मैं उन्हें नमस्ते करने भी आ जाता हूँ क्योंकि, और फिर दूसरा मेरे बेटे का वापस का लसन बन रहा है, उसके लिए भी मैं आया था। आज क्या करा आपने? अभी डॉक्टर साहब की कहा सुनी, किस बात को लेकर हुई है? वो मैंने कहा सुनीप गर्ग जी नमस्कार जी है, मैंने कहा ये काय का हो रहा है? ये कह रहा कि जी डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच मेरे पास है। मैं क्लियर लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा कि हम 35,000 रुपए वापिस करेंगे। मैं कहा जी मेरे को 35,000 नहीं चाहिए। आप 35 लाख के
और 35 करोड़ के गुनाहगार हैं, क्योंकि आपने इलाज में ध्यान कम दिया, बिलों में ध्यान ज्यादा दिया। इलाज तो करा इन्होंने, मेरी वाइफ का कायम करा, सविता ऊपर का नहीं करा, इन्होंने करा बिलों में। पूरी टीम को बता दिया कि इनसे अब क्या चाहते हैं आप? सर जी मैं तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो डीएम साहब से नमस्ते करने आया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।